बिस्मिल्लाह हमारे रहीम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड जॉब, कोऑर्डिनेटर की जॉब और साथ साथ में हाउस कीपिंग की जॉब, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउसकीपिंग जॉब की। तो हाउसकीपिंग जॉब है, इसका वॉकर इंटरव्यू है कल 11 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, ये EFS फैसिलिटी मैनेजमेंट के ऑफिस में। इस जॉब की मैं आपको डिटेल बताता चलूं, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हीं लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिन लोगों के पास कैंसल वीजा या विजिट वीजा होगा, साथ साथ में आपके पास पासपोर्ट, CV और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होनी चाहिए। और ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इनका प्रोडक्शन सिटी में ऑफिस है, गूगल से आप इनकी लोकेशन निकाल सकते हैं। इंटरव्यू का जो डेट और टाइम है वो है 11 जुलाई, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक इंटरव्यू है। उसके बाद जो दूसरी जॉब है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीरा सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। और जिन लोगों के पास विजिट वीजा है या कैंसल पेपर है उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स आप में होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपको पता है कि आपके पास 2 साल का होना चाहिए, आपकी हाइट 5.7 होनी चाहिए और फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट्स है, साथ साथ क्लीन शेव्ड आपको होना चाहिए। जो दूसरी वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर सीरा लाइसेंस। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो थर्ड वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का लाइसेंस होना चाहिए प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास CV होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सीरा सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और आपके पास वैलिड पासपोर्ट, विजिट वीजा कॉपी, कैंसल्ड वीजा कॉपी, कैंसलेशन अगर पेपर है तो आप साथ कैरी कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने EFS फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है वहां पे जाना है और QR कोड आपने स्कैन करके आपने CV सबमिट करनी है इन सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की जो जॉब है इनके लिए। हाउसकीपिंग की जो जॉब है उसका वॉक इन इंटरव्यू कल है। ये सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। आप सबमिट करेंगे CV QR कोड स्कैन करके, उसके बाद अगर आपकी CV उनकी मयार पे पूरा उतरती है, अगर आपकी CV को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपको डेट और टाइम बताएंगे इंटरव्यू के लिए। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं चैनल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।